विधाता, ये कैसी परीक्षा की घड़ी है। इस माँ ने अपनी बेटी गंगा के लिए क्या क्या कल्पना नहीं की थी। अब हमारी सारी प्रसन्नता शोक में डूब जाएगी। देवी मैना, इस सृष्टि का यह पुरातन नियम है कि पुत्री को एक ना एक दिन पिता के घर से विदा होना ही पड़ता है। वियोग की इस पीड़ा को सहना ही होता है। ब्रह्मदेव, यदि गंगा बेटी को विवाह करके विदा करना होता तो हमें उस वियोग में भी आनंद का अनुभव होता, परंतु यह तो बड़ी असहनीय विवशता है। गंगा बेटी के आगमन से ही तो हिमालय पर सुख समृद्धि छाई हुई है। हमें ज्ञात है हिमवान, गंगा नाम ही विपत्तियों के नाश का प्रतीक है। मांगल्य उसके अस्तित्व में समाया हुआ है। गंगा की दिव्यता का चमत्कार सारी सृष्टि देख चुकी है। तारकासुर के अत्याचारों को गंगा की दिव्य शक्ति ही रोक सकती है। गंगा को सत्यलोक में ले जाना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मदेव सचमुच विवश है पिताश्री। देवताओं की रक्षा के लिए मुझे सत्यलोक जाना ही होगा। बेटी गंगा। नहीं बेटी नहीं, ऐसा न कहो दीदी। हम तुम्हारे वियोग को कैसे सहन कर सकेंगे दीदी। आप सब व्यर्थ व्यग्र हो रहे हैं। गंगा का हिमालय से नाता कभी नहीं टूट सकता। गंगा यहां के कण कण में व्याप्त रहेगी। जगत कल्याण के लिए गंगा को यहां से विदा कीजिए। देवताओं के कल्याण और अपने कर्तव्य पालन के लिए मुझे यहां से जाना ही होगा। दीदी पार्वती। गंगा दीदी। मीनाक भैया, अब मैं पार्वती को तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। इसे अपना स्नेह प्रदान करना भैया। आओ बेटी गंगा। सत्यलोक में देवी गंगा का स्वागत है। देवी गंगा की जय। देवी गंगा की जय। परमपिता ब्रह्मदेव की जय। देवी गंगा, हमारी प्रार्थना पर ब्रह्मदेव का अनुरोध स्वीकार करके आप सत्यलोक पधारी। हम सब देवता धन्य हुए। देव गुरु, मैंने तो ब्रह्मदेव का आदेश स्वीकार करके अपने कर्तव्य का पालन किया है। पधारी। देवराज, देवताओं के कल्याण तथा सुरक्षा हेतु देवी गंगा ने अपनी भावनाओं का परित्याग करके हमारा अनुरोध स्वीकार कर सत्यलोक पधारी हैं। देवी गंगा, आपके आगमन से हम निर्भय हुए। तारकासुर को जब ज्ञात होगा कि देवी गंगा सत्यलोक पधार चुकी है तो वो सत्यलोक आने का साहस नहीं कर पाएगा। देवराज, अब आप सब देवता निर्भय हो जाइए। जहां विष्णुपदी गंगा होगी वहां असुरों की छाया भी नहीं पड़ सकती। देखा पुत्री गंगा, तुम्हारे आगमन से देवता निर्भय हो गए। हिमालय राज तथा महारानी मैना की वियोग व्यथा अनुभव कर मैं स्वयं समंजस में पड़ गया था कि देवताओं का उद्धार कैसे होगा, परंतु तुमने स्वयं सत्यलोक आने का निर्णय लेकर मुझ पर ही नहीं देवताओं पर भी महान उपकार किया है।
आप धन्य हैं देवी गंगा, आपका ये उपकार देवता कभी नहीं भूलेंगे। आपका कल्याण हो। जन कल्याणी देवी गंगा की जय। परमपिता ब्रह्मदेव की जय। प्रणाम देवी। नंदीश्वर आप आ गई, आश्चर्य है आज राजकुमारी गंगा नहीं पधारी। क्या गंगा दीदी यहाँ आती थी? प्रतिदिन वो आपसे पहले यहाँ आकर चली जाती थी। क्या कह रही हूँ नंदीश्वर? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे स्वयं भी आश्चर्य हो रहा है, परंतु आपकी और उनकी पूजा में बहुत अंतर है। वो आती तो थी, दूर से ही शिवशंकर को प्रणाम करके चली जाती थी। गंगा दीदी यहाँ आती थी, हमें तो कभी नहीं बताया। नंदीश्वर आप समझ में आया, गंगा दीदी मेरे कल्याण कामना के लिए यहाँ आया करती थी, किंतु किंतु अब वो कभी नहीं आएंगी। क्या? हाँ नंदीश्वर, आज इन पुष्पों से भगवान शिव शंकर की पूजा कीजिए, संभवतः उनकी ध्यान समाधि टूट जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव अपनी ध्यान समाधि न तोड़ने का हर ठान बैठे हैं। हाँ देवराज, यदि शिव की ध्यान समाधि भंग नहीं होती तो अवश्य देवी पार्वती की सेवा व्यर्थ जाएगी, और जब तक वो देवी पार्वती को देखेंगे नहीं उनके मन में अनुराग कैसे जागेगा? यदि शिव के मन में अनुराग उत्पन्न नहीं होगा तो वे देवी पार्वती को अपनी जीवन संगिनी कैसे बनाएंगे? पार्वती के शिव संगिनी बनने पर ही शिव पुत्र का उत्पन्न होना संभव होगा। हाँ देवराज, शिव पुत्र के उत्पन्न हुए बिना तारकासुर का अंत होना संभव नहीं है। शिव समाधि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे अब हमें अनिश्चित काल तक तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त होते रहना होगा। शिव समाधि को भंग करने का हमें कोई ना कोई उपाय अवश्य करना होगा। हाँ अवश्य। नहीं देवराज नहीं, शिव के सम्मुख जाने का साहस अब मुझ में नहीं है, कृपा करके मुझे वहां न भेजिए। मित्र कामदेव, यह कार्य तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, वैरागी शिव की ध्यान समाधि तुम ही तोड़ सकते हो। इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारी अनुराग शक्ति के वशीभूत ना हो जाए? माता सती के आत्म बलिदान के पश्चात शिव का वैराग्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, उनके मन में अनुराग की भावना जगाना असंभव है। नहीं मित्र, यदि तुम वहां जाकर वातावरण में अनुराग जगा दोगे तो भोलेनाथ अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, तुम सफल हो जाओगे। मेरा हृदय कह रहा है शिव में अनुराग जगाने के सारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध होंगे देवराज,
मैं वहां जाकर कुछ नहीं कर पाऊंगा। स्मरण करो मित्र कामदेव, शिव सती के विवाह के पश्चात तुम्ही ने उन्हें मिलन के लिए प्रेरित किया था। उस समय आनंद तथा उत्साह का वातावरण था, आज की परिस्थिति उसके विपरीत है। शिव पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुके हैं, नारी के प्रति मोह उनके मन में सदा सदा के लिए समाप्त हो चुका है। कामदेव, तनिक सोचो। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तारकासुर का संहार शिवपुत्र द्वारा ही होगा। यदि तुम शिव के मन में अनुराग जगाकर उन्हें पार्वती से विवाह करने के लिए प्रेरित करो तो तारकासुर के संहारक शिवपुत्र के जन्म का सारा श्रेय तुम्हें मिलेगा। कामदेव, वैरागी शिव अनुराग भावना से विरक्त हो चुके हैं, यदि उनकी समाधि भंग की गई तो उनका रौद्र रूप भी जाग सकता है। कामदेव, तुम्हारे लिए देवताओं का कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। तुम स्वयं देवता हो, देवताओं के मित्र तथा हित चिंतक हो। तुम्हारा इस प्रकार का भय शोभा नहीं देता है कामदेव। परंतु देव गुरु, क्या शिव की ध्यान समाधि भंग करना अपने आप में एक महान पाप नहीं है? क्या मैं इस पाप के परिणाम से बच पाऊंगा? कामदेव, शक्ति रूपिणी पार्वती तथा शिव का मिलन जगत के कल्याण का कारण बनेगा। ये पुण्य का कार्य है, पाप का नहीं। इस संकट की घड़ी में देवताओं की सहायता करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। कामदेव, तुम भयभीत ना हो। देवगुरु, यदि शिव का कोप जाग गया तो वह समस्त जगत के लिए प्रलयकारी हो सकता है। कामदेव, शिव की कोई लीला अनर्थकारी नहीं हो सकती है। यदि तुम अपने लिए भयभीत हो रहे हो तो इतना अवश्य जान लो कि देवताओं के हित तथा जगत कल्याण के लिए यदि तुम्हें अपने प्राण भी दांव पर लगाने पड़े तो तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। कामदेव, तुम्हें देवराज के अनुरोध को स्वीकार करना चाहिए। देवताओं के हित तथा जगत कल्याण के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा कल्याण। देवादिदेव परमेश्वर, कब तक प्रतीक्षा करनी होगी मुझे? मेरी ओर कृपा दृष्टि कीजिए प्रभु। ये समाधि कब टूटेगी? आप कब सुनेंगे? कब कह पाऊंगी मैं अपने मन की बात? नंदीश्वर, प्रभु, प्रभु आ गया। प्रभु नंदीश्वर, हिमालय राज की कन्या राजकुमारी पार्वती हमसे कुछ कहना चाहती है, उनसे कहो हम उनकी बात सुनने के लिए उत्सुक हैं। देवी रति, भगवान शिव की समाधि तो टूट चुकी है,
उन्होंने स्वयं देवी पार्वती को बुलवाया है। देवी, प्रभु भोलेनाथ उत्सुक हैं आपकी प्रार्थना सुनने के लिए। अवश्य पूर्ण होगा। हाँ रति, देवी पार्वती के प्रति भगवान शिव के आकर्षण को देखते हुए उनके मन में अनुराग जगाना अब सरल हो गया है। प्रभु, पार्वती, तुम हमसे कुछ कहना चाहती थी? मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ भगवान। आपको समाधि में लीन देखकर मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। परंतु तुम तो मन ही मन ये मना रही थी कि हम एक बार आंखें खोलकर तुम्हें देख लें। वो कार्य तो हो गया, अब कहो अपने मन की बात, क्या कहना चाहती थी? मेरी आराधना सफल हुई प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, भला मेरी मन की बात आपसे कैसे छिपी रह सकती है? परंतु वही बात हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं देवी। परमेश्वर, क्या इतनी गहन समाधि लगाकर भी आप प्रकृति से दूर रह सकते हैं? सत्पुरुषों को कभी प्रकृति से मोह नहीं करना चाहिए देवी। लोकाचार से दूर निर्विकार रहना चाहिए। प्रभु, आप अपनी बात कहने में जिस वाणी का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो प्रकृति नहीं है? मनुष्य का कोई भी कार्य प्रकृति की सहायता के बिना असंभव है। देवी, तुम्हारी वाणी भी प्रकृति की वाणी है। निर्विकार पुरुष को वो भ्रमित कर सकती है। अपराध क्षमा हो प्रभु, समाधि लगाना भी तो एक कर्म ही है। आप जितेंद्रिय होकर भी प्रकृति के अधीन हैं। यदि आप ध्यान समाधि द्वारा प्रकृति से निलिप्त हैं, तो मेरे समीप होने पर भी आपको आकर्षण का भय नहीं होना चाहिए। शिव तो अभयंकर है देवी, भय सदा ही शिव से दूर भागता है। प्रभु, दृष्टता के लिए क्षमा चाहती हूँ, परंतु यह सत्य है, यदि शिव के मन में प्रकृति के आकर्षण का भय ना होता तो एकांत में आंखें मूंद कर जगत से नाता तोड़ने का प्रयत्न ना करते। हमारी ध्यान समाधि का उद्देश्य प्रकृति के आकर्षण का नाश करना है। तुम इस भ्रम में न रहना कि प्रकृति हमारे निश्चय की दृढ़ता को भंग कर सकती है। अब तुम जा सकती हो। प्रकृति शिव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये क्या? भगवान शिव ने ऐसी क्या बात कह दी जो पार्वती उदास होकर चली गईं? शिव पुनः समाधि में लीन हो गए। रति, भगवान शिव का यह रूप देखकर मेरे मन में पुनः भय जाग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि। अपने आप पर विश्वास रखिए स्वामी, देवताओं का कार्य पूर्ण करने में हम अवश्य सफल होंगे। चलिए।
विश्वनाथ जय भीमा शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर महाकाल वैद्यनाथ।